हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। बढ़िया मौसम भी है, बारिश का बारिश हो रही है, बीच में बारिश हो जाती है, बीच में धूप आ जाती है, सब चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अपनी पढ़ाई भी चल रही होगी, कभी मन करा पढ़ने का, कभी नहीं करा, चलिए तो चलती रहेगी। चलिए, अब हम जो कहने वाले हैं वो देख लीजिए कि देखिए, सबसे पहले कि काफ़ी वीडियो और काफ़ी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द से जल्द ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, पवन बुक्स जो एमसीक्यू सीरीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अदर सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। आप ये मान के चलिए 10 के बाद से आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एमसीक्यू के अलावा, ठीक है। डेली डेली हम लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 273 से लेके 300 तक की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इस पर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिया गया है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। आप देखिए, एक चीज़ और की जो लास्ट में आते हैं ना, अर्थ क्या है, ठीक है, और इसका क्या होगा, लैटिन वाले शब्द आ जाते हैं कि किस भाषा से आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग नोट डाउन करना कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, प्रतिबंधों का होना, प्रतिबंधों का ना होना, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 274, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है या मत है, किसका है ये? हीगल का है, कांट का है, या फिर लॉक का है, या फिर स्पेंसर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कांट का है ये। फिर है, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबरल, लिव्यू और लेबर, या फिर लिनर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लिबरल, ठीक है। तो एक और हमारा जो टॉपिक वाइज में रहेगा वो ये भी हो जाएगा कि उत्पत्ति वाले जो भी क्वेश्चन से ऐसे आते हैं, ये आपने खुद ही देखे हैं कि एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा गया, मतलब कि हर एक पेपर में आपका क्वेश्चन आ ही जाता है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है और आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला आप टॉपिक नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्पत्ति वाले भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं और ये एक अलग जगह नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 276, और इसमें दिया गया है, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 245, या फिर अनुच्छेद 358, या फिर 368? तो देखिए, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 368 में किया गया है, ठीक है। तो संविधान से भी देखिए काफ़ी क्वेश्चंस आपके आर्टिकल से फंसेंगे, और मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 9 में भी, कि 1 से लेके 51 तक ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए और ज़्यादातर आपके इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस क्या है, अब देखिए कोई भी संशोधन वाले ये अलग से हैं, ठीक है, अलग से इन द सेंस कि ये आ जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। बीच बीच से जो आपके पूरे 395 हैं, ठीक है, और प्लस अब तो बहुत सारे हो गए एक्स्ट्रा वाले, ठीक है, बट मेन मेन जो है इनमें से ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। और जो भी इम्पॉर्टेंट से हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, गवर्नर के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, हिंदी शब्द कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, किस आर्टिकल में यूज़ होता है, ग्राम पंचायत वाला हो जाएगा, तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बार आपको देखना पड़ेंगे सारे आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 277, और इसमें दिया गया है, कानूनी न्याय से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक कानून से, या फिर सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, या फिर सभी नागरिकों हेतु न्याय का निशुल्क प्रबंध हो, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। और फिर है, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं यातायात व संचार के साधन, नगरीकरण व औद्योगिकीकरण, या फिर पश्चिमीकरण, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। फिर है, स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? संविधानवाद, या फिर कानून का शासन, या फिर स्वतंत्रता की घोषणा, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? समानता हो गई, सेवा हो गई, स्वतंत्रता हो गई, या फिर बंधुत्व?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वतंत्रता। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 281, और इसमें दिया गया है किस संविधान किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 25वां है, 46वां है, 44वां या फिर 42वां है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, तो देखिए 44 संविधान संशोधन और 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 282, संविधान भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध है धर्म परिवर्तन से, धर्म की शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा के निषेध से या फिर धार्मिक स्वतंत्रता से। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता से। फिर है क्वेश्चन नंबर 283, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म निरपेक्षता से संबंधित है, अनुच्छेद 25 व 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आर्टिकल से 25 से लेकर 28 तक के आपका धर्म से ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 284, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंच व निर्मित हुआ, तो गोलकनाथ केस, संकरी प्रसाद केस या फिर मंजन सिंह केस या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, सभी हो जाएंगे, गोलकनाथ केस भी है, संकरी प्रसाद केस भी है और मंजन सिंह केस भी है। फिर है भारत में अस्पष्टता समाप्त करने का कानून कब बना। ठीक है, अस्पष्टता समाप्त करने का कानून कब बना, 1947, 1955, 1950 या फिर 1958। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 17। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 286, और संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से है या फिर धार्मिक शिक्षा से है या फिर पिछड़े वर्ग की शिक्षा से है या फिर समता के अधिकार से है। तो जो 30 है, आर्टिकल नंबर 30, वो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से है। फिर है न्याय की अवधारणा विकसित हुई सामान्य न्याय के रूप में या फिर प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में या फिर उपयोग दोनों ही रूप में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, तो दोनों ही रूप में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां हो जाएगा 71 में, 44वां हुआ था 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये समाजवादी शब्द इस पर जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं 289, संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है, ऑप्शन दिया गया राज्यों की उच्च शिक्षा से या फिर अनिवार्य निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा से या फिर केंद्र विद्यालयों की शिक्षा से या फिर माध्यमिक शिक्षा से। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनिवार्य निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा से। अब देखिए 45 को मैंने याद करवाया हुआ है, हर वीडियो में जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए 45 है, ठीक है, इस पर आपको याद करने के लिए बचपन में जाना पड़ेगा, जैसे कि जब आपने गिनती स्टार्ट करी थी, मतलब कि नंबर काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, 4, 5 ये लिखा है 45, बस इसके आगे आपको 6 लगाना है। ठीक, और 6 लगाते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है ये। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा और ये भूलेंगे नहीं कभी 45 आर्टिकल नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290 दिया गया है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता या फिर विधि की तार्किकता या फिर कल्याणकारी विविध विधिक प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अवसर की समानता। फिर है भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, ऑप्शन है 1971, 1975 में या फिर 1973 में या फिर 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1975 में। चलिए आगे देखते हैं न्याय, एक सेकेंड, धर्म निरपेक्षता शब्द
ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 291 में रीचेक करेंगे अभी हम, ठीक है। 1975 एक बार रीचेक कर लेते हैं। 291 का 76 शायद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 76 ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इस पे ऐड करेगा था। चलिए अभी देखते हैं, ये रीचेक के लिए हो जाएगा 291 क्वेश्चन नंबर। और इसमें दिया गया है, न्याय है एक सामान्य गुण, एक सक्रिय प्रक्रिया या फिर तत्व केंद्रित व्यवस्था या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। फिर है सन 1976, सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्यों नागरिकों के लिए सम्मिलित किए गए। तो चतुर्थ अध्याय और चार कर्तव्य, या फिर तृतीय अध्याय 10 कर्तव्य, चतुर्थ अध्याय 10 कर्तव्य, सप्तम अध्याय तथा 7 कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया। 1949, 1971, 1950 या फिर 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1950 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 295, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उससे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान से समाप्त किया गया और अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 19(4) समाप्त किया गया और 300 आ जोड़ा गया, या फिर 19(6) समाप्त करा गया, 371 झा जोड़ा गया, या फिर 19(10) समाप्त करा गया, 300 ब जोड़ा गया, या फिर 19(a) समाप्त करके 52 का जोड़ा गया। थ्री 295, इस पे बा ऑप्शन है। 295, 44वां ऑप्शन, इस पे बा नहीं होगा, इस पे आ होगा। अनुच्छेद 19(4) को समाप्त करके 300 आ जोड़ा गया है, ठीक है। 44वां संविधान जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा के और इसको जोड़ा गया था। 371 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 371 इसमें ऑप्शन दिया गया है, बट ये नहीं होगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर आया था 296, और इस पे दिया गया, संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रालेख जारी नहीं करते हैं। निधि निषेधाज्ञा, या फिर प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर परमादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, निषेधाज्ञा। और फिर है 297, समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। 14 से 18, 12 से 13, 14 से 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 14 से 18। फिर है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित है, किस पे वर्णित है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 46। फिर है पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का महत्व दिया आदर्शवादी ने, आदर्शवाद ने, या फिर प्रयोजनवाद, या फिर प्रतिवाद, या फिर यथार्थवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, प्रतिवाद। फिर है पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया प्रगतिवाद ने, यथार्थवाद ने, या फिर प्रयोजनवाद ने, या फिर आदर्शवाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी ऑप्शन, यथार्थवाद ने, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 291 को एक बार हम रीचेक करके आंसर इसका बता देंगे, ठीक है। वैसे 291 का 1976 ही कन्फर्म है, बट एक बार फिर से रीचेक करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।